हेलो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर जीरो टू हाई लेवल के क्वेश्चन किए, यानी क्लास नाइन्थ से हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी पार्ट वन फॉर नाइन्थ स्टैंडर्ड, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पार्ट वन पार्ट टू फॉर टेंथ स्टैंडर्ड, पार्ट थ्री फॉर इलेवेंथ स्टैंडर्ड, पार्ट फोर फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। इसके टोटल जो लगभग 11 वीडियो थे, इसके बाद दो वीडियो में निकाले थे कि एसएससी बैंकिंग रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पार्ट 5A एंड प्रोबेबिलिटी 5B में एनडीए के आए हुए क्वेश्चन 2018 फर्स्ट एंड 2018 सेकंड के क्वेश्चन। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है ट्रिगोमेट्री सीरीज के अंदर। सबसे पहला हमने निकाला था ट्रिगोमेट्री पार्ट वन फॉर टेंथ स्टैंडर्ड। इसके अंदर हमने जो 8.1 के बेसिक पॉइंट और क्वेश्चंस किए थे, जो इम्पोर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए एसएससी बैंकिंग रेलवे एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर और एग्जाम्स के। आज हम आपको कराएंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड 8.2 एंड 8.3 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट है टेंथ क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग रेलवे एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर और एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके अंदर आप देखोगे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल्स के ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। इसमें हमने लिया है 0 to 90 degrees। ये टेबल बनाना बहुत आसान है, ये टेबल की ट्रिक बता रहे हैं। पहले आपको आपने सीखा था कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते हैं 6, साइन कॉस टेन, इसके बाद साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, कॉस का अपोजिट है सेक, एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। एंगल के अंदर हमने लिया था 0 degree, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree। तो देखो बिल्कुल आसान तरीका है टेबल बनाने का। साइन लिया आपने, यहाँ लिख दो 0/4 रूट, दैट मींस 0, 1/4 स्क्वायर रूट, दैट इज 1/2, 2/4 स्क्वायर रूट, दैट इज 1/√2, रूट अंडर 3/4, दैट इज √3/2, 4/4 रूट, दैट इज 1। तो ये हमारा आ गया पहला। दैट मींस आप ये बोल सकते हैं कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इजी तरीका क्या था कि आपने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 फॉर सीरियल वाइज लिया ताकि याद रखने में आसानी। 0 से स्टार्ट किया, सबके नीचे 4 और रूट लगा दे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/5 का 4/4 का रूट हो, 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/2, 2/4 का रूट होगा 1/√2, रूट अंडर 3/4 की वैल्यू √3/2, 4/4 रूट की वैल्यू है 1। अब कॉस का जब निकालना है आपको तो बिल्कुल आसान है, लास्ट जो 90 है वहां से अब स्टार्ट करो और अपना लिखते चले जाओ, दैट इज लास्ट में आपका ये क्या है 1, तो साइन 0 कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा आपका ये वाला, इसको यहाँ लिख दो √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा हाफ, कॉस 90 हो गया 0। जब ये साइन और कॉस आपको मिल जाता है तो टेन निकालना बिल्कुल आसान है। आपने फॉर्मूला जानते हैं कि टेन होता है साइन बटे में कॉस। इजी तरीका क्या है कि साइन की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, कॉस के रेसिप्रोकल से, कॉस की वैल्यू 1 है, 1 का 1/1, दैट इज 0 ही आएगा। इसी तरह 1/2 आ गया साइन का और कॉस के √3/2, रेसिप्रोकल को 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया, ये आपकी साइन की वैल्यू है 1/√2, तो √2/1, दैट इज 1 आ गया। इसी तरह से आप देखोगे √3/2 * में 2/1 कैंसिल होकर क्या आ गया √3, ये हमारा 1 है और ये इसकी वैल्यू 0 है, तो 1/0 इज इंफिनिटी आ गया। इसके बाद जब जो साइन कॉस टेन आपको मिल गया तब ये है कॉसिक, कॉसिक का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का देखो क्या है 0, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। इसी तरह से कॉसिक का निकालोगे, साइन 30 होता है आपको दे रखा है 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। इसी तरह साइन 45 का 1/√2 है तो कॉसिक हो जाएगा √2। इसी तरह साइन 60 आपका √3/2 है तो कॉसिक 60 हो जाएगा 2/√3। इसी तरह साइन 91 है तो कॉसिक 90 भी 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। अब आप आ जाओ सेक पर, सेक हमने ये देखो एरो लगा रखा है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक अगर आप निकालेंगे 0 तो 1 ही आएगा,
इसी तरह से sec 30 निकालोगे तो इसका रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3 आ जाएगा, फिर आप निकालोगे 60 का तो ये रूट 2 आ जाएगा, 45 का और 60 का 2 आ गया, ये नॉट डिफाइन आ गया। जब आपको cot निकालना है, cot ये रेसिप्रोकल ऑफ 10, जो आप बिल्कुल जान चुके हैं cot क्या है, 10 का रेसिप्रोकल है 0 का आ जाएगा नॉट डिफाइन, 1 बाई रूट 3 का आ गया रूट 3, 1 का आ गया 1, रूट 3 का 1 बाई रूट 3 और ये इन्फिनिटी का 0। ये टेबल होगी आपकी तैयार। किसी भी एंगल को फाइंड करना है आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हो। इस टेबल से रिलेटेड कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, यहां तक आपने देखा कि ओनली 0 टू 90 तक के एंगल थे। अगर 0 से 90 से ज्यादा एंगल आते हैं, मोर देन 90 डिग्री आता है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपका ये स्मार्ट फॉर्मूला है दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए ट्रिकी फॉर्मूला है टी रेशियो, टी रेशियो इंटू में एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। टी रेशियो का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पहले सीख चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कॉस, ये 6 होते हैं। अब हमारा ट्रिक कहता है कि ये जो एन है, अगर ये एन इवन है, इफ एन इज इवन, टी रेशियो नोट चेंजेस, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। ओनली प्लस माइनस साइन चेंजेस एज क्वाड्रेंट, प्लस माइनस जो साइन है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होगा, बदलेगा। अब आप बोलोगे ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट ध्यान दीजिए। क्वाड्रेंट आप पहले से जान सके, 9th क्लास से आपने क्वाड्रेंट के बारे में कंसेप्ट सीख लिया है। ये मान लो ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, ये ओ पॉइंट पर। ओ से जो राइट है वो एक्स का पॉजिटिव होता है, ये एक्स का निगेटिव होता है। ओ से ऊपर वाई का पॉजिटिव होता है और ये वाई का निगेटिव होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई, लेकिन हमें यहाँ जो एंगल की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो हम लेते हैं वो क्या होता है, 0 टू 90 डिग्री। और इसमें क्या होता है, ऑल 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें एंगल लेते हैं 90 टू 180 और इसके अंदर साइन एंड इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। अदर यानी इसको छोड़कर जो आपके पास 4 बच गए वो निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 180 टू 270 डिग्री होता है और इसके अंदर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। इन दोनों को छोड़कर जो 4 बचे वो निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा और जो अदर पॉइंट्स बच रहे हैं आपके वो निगेटिव होंगे। ये क्वाड्रेंट है। चलो देखो कैसे हम निकालते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता है साइन 210 डिग्री, तो आप बोलोगे कि हमने जो टेबल सीखा है वो 0 टू 90 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है साइन 210। तो डोंट वरी, इसके लिए आपके पास ट्रिक क्या है कि टी रेशियो इनटू एन इनटू 90 प्लस माइनस थीटा। कोशिश करना है कि ऑलवेज प्लस में लो जहां तक हो। तो आप देखो साइन को साइन रखा आपने और इसको 90 से डिवाइड करो, 90 टू जो होता 180, 2 इंटू 90 प्लस में आ गया 30। अब ये 2 क्या है, इवन नंबर है, ये सारे को छोड़ दो, डायरेक्ट ये साइन जाएगा 30 के साथ, साइन 30 हो गया। अब आपने देखा 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 30 डिग्री जो है साइन 210 डिग्री। 210 डिग्री को हम देखिए क्वाड्रेंट की बात करें, अभी अभी आपने सीखा है कि साइन 210 डिग्री कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो 10 कॉट पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे निगेटिव है, इसका मतलब साइन नेगेटिव है, तो निशान क्या आ गया, माइनस। तो जवाब हो गया माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 आपने टेबल सीखा है हाफ होता है, तो जवाब क्या आ गया, माइनस हाफ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि आपके पास दूसरा एग्जांपल हमने लिया है कॉस 420, तो कॉस 420 है, इसको भी 90 से, हर जो भी एंगल दिया है आपका काम क्या है 90 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 90 प्लस में 60। अब ये 4 क्या है, इवन नंबर है, इसको आप भूल जाओ, डायरेक्ट आप लिख दो 4 cos 60, cos 60 डिग्री। अब देखो 420 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप जानते हैं क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कि सर्कल चल रहा है, टोटल 360 होता है, 360 कंप्लीट हो जाता है, तो 4 इंटू 90 360 हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर वो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये 420 कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, so cos 60 degrees positive, that is 1/2 is right answer। चलो अब दूसरा केस लेते हैं। आपने देखा जो फॉर्मूला हमारा था उसी के अंदर कि if n is odd, अभी n को हमने even लिया था, if n is odd then t ratio changes as, अगर n odd है तो t ratio बदलेगा, sin जाएगा cos में, tan जाएगा cot में और sec जाएगा cosec में।
एंड प्लस माइनस साइन चेंजेस एज क्वाड्रेंट। प्लस माइनस साइन कैसे होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे आपने देखा साइन 120 है, ट्रिक वही कहता है कि अब 90 से डिवाइड कीजिए, साइन 90 से डिवाइड करोगे तो 1 × 90 30 बचेगा, प्लस 30। ये 1 क्या है, ऑड नंबर। आप बोलोगे ऑड नंबर क्या है, एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर है। हिंदी में उसको बोलते हैं विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ट्रिक कहता है इसको आप छोड़िए, साइन जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस 30। अब आप देखिए कि साइन 120 है ये किस क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और पेरेंट यहाँ पे कॉस भी है और साइन भी। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि साइन किसका देखें, पेरेंट का साइन देखेंगे, साइन का साइन देखेंगे, तो साइन किस में है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस 30 पॉजिटिव आएगा। अब 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, आपका आंसर आ गया √3/2। अब आपके पास 90 तक की टेबल है, 90 से आगे कुछ भी क्वेश्चन आता जितना भी बड़े से बड़ा होगा, आप जस्ट ये ट्रिक यूज करो, टी रेशियो एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, दैट मींस 90 से उसको डिवाइड करो, प्लस में जो बचेगा उसके हिसाब से उसको आप निकालो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके अंदर कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एसीबी दे रखा है 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी एंड एसी। हमने एक जो है फ्रेम कर दिया, एबीसी का राइट ट्रायंगल बना दिया, बी पे 90 बोला है, 90 लिख दिया, एबी 5 सेंटीमीटर है, ये 30 हो गया। अब आपको चेक करना है पूछा क्या गया है, साइड बीसी एंड एसी, ट्रिक यही कहता है कि आप देखिए गिवन क्या है, आपको ये एंगल दिया गया है और ये ए बी दिया गया और ये बी सी दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो सी पे एंगल है, इस एंगल के लिए बी सी क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। हिंदी में, मैथ में, हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्लाइटली फर्क होते हैं। बी सी बेस मतलब आधार हो गया, ए बी पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ए सी हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया। तो आपको सिखाया था मैंने फर्स्ट क्लास में कि टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो टेन 30 हो गया पी बाई बी, 30 के लिए पी ए बी है यानी लंब ए बी है और आधार बी सी है, ए बी बाई बी सी, ए बी आपको टेन 30 की टेबल आप जानते हैं 1/√3, और ए बी ये दे रखा है पी यानी ए बी 5 है, बी सी आपको फाइंड करना है, तो बी सी क्या आ जाएगा 5√3, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से दूसरा अगर आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, ये मालूम है और ए सी चाहिए, क्या रिलेशन है, पी और एच, पी एच का रिलेशन किस में आता है, साइन में, तो फट से ले लो साइन 30 डिग्री, पी बाय साइन 30 के लिए पी यानी लंब हो जाएगा ए बी और एच हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए बी बाई ए सी, तो 5/ में क्या आ गया, ए सी आ गया, तो 5/ में अगर ए सी आ गया तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5/ac क्रॉस मल्ट साइन 30 होता है हाफ, 5/ac, तो ये आ जाएगा ac = 10 cm, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमने लिया है इन राइट इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू, और कह रहा है कि पी क्यू दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। वेरी इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर, और क्या कह रहा है, क्यू पे 90 है तो ये 90 हो गया, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए कि आपसे पूछा क्या, एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पी एंगल और आर एंगल, वेरी आसान है। सबसे पहले अगर आपने बात करें आर की, आर एंगल के लिए बेस क्या है, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू यानी आधार क्यू आर है, और बेस क्यू आर हो गया आधार, और परपेंडिकुलर यानी पी क्यू लंब हो गया 3, कर्ण हाइपोटेनियस हो गया 6। अगर हम बात करें साइन आर की, तो पी बाई एच होता है, इसके लिए पी हो गया पी क्यू, एच हो गया पी आर, 3/6 हाफ हो गया, तो साइन आर इक्वल टू हाफ है, हाफ को आप लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि आप जानते हैं साइन 30 हाफ ही होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, और इस ट्रायंगल के अंदर आर आपने 30 निकाल दिया, क्यू आपको मालूम है 90, तो पी बिल्कुल आसान है, मुझे वाणी निकाल सकते हो, 90 + 30 = 120, यानी 180 में से 120 घटेगा, 60 आ जाए। इसको हम करके दिखाया यहाँ पे ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, P + Q + R 180 है,
पी प्लस 90 प्लस 30 180, तो पी हो जाएगा आपका कितना 180 माइनस 120 डेट इज 60 डिग्री। तो आपने दोनों एंगल निकाल लिया, एंगल पी आ गया 60 डिग्री, आर आ गया 30, पी को हम क्या लिखेंगे क्यू पी आर 60 डिग्री, आर को क्या लिखेंगे पी आर क्यू 30 डिग्री, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब हम बताएंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कह रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी आपको दे रखा है कितना हाफ, और क्या कह रहा है कॉस ए प्लस बी क्या दे रखा है हाफ, और ये कह रहा है जीरो लेस देन इक्वल देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल देन 90, कह रहा है इफ ए ग्रेटर देन बी तो फाइंड कीजिए ए एंड बी। तो सबसे पहला काम आपका है कि गिवन क्या है, साइन ए माइनस बी हाफ है, तो साइन ए माइनस बी हाफ हो गया, हाफ का मतलब है साइन 30 डिग्री हाफ ही होता है, तो ए माइनस बी कंपेयर करो, साइन साइन के कंपेयर हो गया, ए माइनस बी 30 आ गया, कॉस ए प्लस बी आपका हाफ है और हाफ को लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, तो ए प्लस बी क्या आ गया 60 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग कर दो, एड कर दो फर्स्ट और सेकेंड को, वैसे ट्रिक भी है, ट्रिकी अप्रोच यूज कर सकते हो कि वेन आपको सब सम ऑफ टू नंबर एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया हो, तो लार्जर नंबर का मतलब है डिफरेंस प्लस सम बाय टू, 60 प्लस 30 बाय टू क्या जाएगा 90 प्लस बाय टू 45 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बना के दिखा रहे उसी चीज को कि सम का मतलब करेंगे तो a माइनस बी आ गया, प्लस में a प्लस बी आ गया, 30 प्लस 60, b से b कैंसिल, 2a 90, a आ जाएगा 90 बाय टू 45 डिग्री। जब आपको a पता चल गया और a प्लस b गिवन है 60, तो 45 प्लस b 60, तो b क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 डेट इज 60 माइनस 45 डेट इज 15 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया 15 डिग्री। अब आप देखोगे यहाँ कि आपके पास जो है B की A की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, A आ गया आपका 45 डिग्री और B की वैल्यू क्या आ गई 15, यहाँ B 45 लिखा गया जो गलत है, आप यहाँ देख लीजिए A आपका 45 डिग्री बिल्कुल दिख रहा है और ये हमने जो है B लिखा था, B की वैल्यू कितनी आई है आपकी, तो B की वैल्यू आई है 15 डिग्री, बाय मिस्टेक है ये, B 45 लिख रखा है, इसको 15 कंसीडर करना। चलिए ये तो था हमारा एग्जाम्पल, इसके बाद हमने एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन लिया, एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन लिया हमने कि साइन 2a बराबर दे रखा है 2 साइन इज ट्रू व्हेन a, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन में लिए, वरना सारे ऐसे क्वेश्चन बता रहे, कोई भी आपका जो बुक्स के क्वेश्चन है वो सारे आपसे बन जाएंगे। साइन 2a होता है 2 साइन, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है, वैसे इसके फॉर्मूले हैं जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको 10th के स्टैंडर्ड से अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या कहता है, जस्ट बाय ऑप्शन मेथड, ऑप्शन कई आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 60-70% क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ऑप्शन से ही बनेंगे। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, जैसे साइन 2a दे रखा है 2 साइन, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आप कॉमन सेंस यही कहता है कि हाँ साइन 2a है और ये 2 साइन है, किसी भी एंगल की अगर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन जीरो पे ही इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0 और साइन ए भी जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट है, जीरो इज करेक्ट, ए बराबर क्या होगा 0 डिग्री, इसके बाद किसी के लिए नहीं हो, जैसे आप 30 अगर आप रखते हो तो आप देखो 2 into 30 कितना हो जाएगा 60, साइन 60 क्या होता है रूट 3/2 और 2 into में sin 30 एंड 2 into में हाफ कट के 1 आ जाएगा, रूट 3/2 1 तो नहीं होता, ये गलत हो गया। इसी तरह 45 चेक करेंगे अगर आप, तो ये 45 टू जाए 90, साइन 90 1 होता है और 2 into में sin 45 2/√2 ये भी इक्वल नहीं होगा, इसी तरह 60 पे इक्वल नहीं, ओनली किस पे इक्वल होगा 0 डिग्री पे, तो राइट आंसर क्या आ गया 0 डिग्री। तो हमारा टारगेट है कि आपको फटाफट सारे कंसेप्ट बताएं, तो 8.2 के अंदर ये कंसेप्ट थे, अब हम आते हैं 8.3 के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे आपसे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में बनेंगे, तो एक फॉर्मेट आपको जानना है और ये फॉर्मेट जो हमने पहले बताया उससे भी रिलेटेड है, साइन 90 माइनस, बस ये याद रखो कि साइन 90 माइनस से क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस 90 माइनस से क्या होता है साइन ए, टेन 90 माइनस से क्या होता है कॉट ए, कॉट 90 माइनस से टेन ए, सेक 90 माइनस से कॉस ए, कॉस 90 माइनस से क्या आ जाएगा सेक ए, बस इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप देखो जैसे ये दिया हुआ है आपको एवेल्युएट, कह रहा है एवेल्युएट कीजिए टेन 65 अपॉन में कॉट 25, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कॉट 90, इसको आप 10 65 को क्या लिख सकते हो, हमेशा याद है वो 10 है तो इसका कॉट लो, कॉट 90 माइनस, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा,
तो थीटा यहाँ 65 है, तो कॉट 90 माइनस 65 है, नीचे को एडिटिव छोड़ो, कॉट 25। अब ये क्या आ जाएगा, 90 में से 65 घटाओ, कॉट 25 बाई कॉट 25 कट के आ गया 1। तो इसके बनाने के कई तरीके, कई बच्चे कई तरीके से बताते हैं, बुक्स वाले कई तरीके से बताएंगे, कई टीचर आपको अलग अलग बताएंगे। अब मेरा कंसेप्ट बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर 10 है तो 10 का कन्वर्ट किस में जाता है, कॉट में। अब डायरेक्ट कॉट लो ताकि ये एंगल आपको चेंज ना करना पड़े, 90 माइनस जो गिवेन एंगल है वही आ जाएगा, कॉट लेंगे 90 माइनस 65, दूसरा लोगे उसमें चेंज करना पड़ेगा, नीचे क्या आ जाएगा जो एडिटिव है कट के आंसर आ जाएगा। अब इसमें सारे क्वेश्चन किसी के बेस पे बनेंगे और इसके बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, अगर आपको देखोगे खुद आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि साइन इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो साइन 3a दे रखा है आपका, कॉस a माइनस 26, तो साइन 3a है, अब ये कॉस है, यहाँ साइन है, इसको साइन में चेंज करो, तो कॉस को साइन में लिखोगे 90 माइनस है, 90 माइनस ए की जगह क्या है ए माइनस 26, तो साइन ऐसी रह गया, ब्रैकेट खोलो 90 माइनस ए प्लस 26। अब आप देखो ये भी साइन है ये भी साइन है, एंगल सेम होना चाहिए, तो 3a इक्वल टू आ जाएगा 90 प्लस 26 116 माइनस ए, माइनस ए को इधर लाओ 4a आ जाएगा 116, a आ जाएगा 116 बाई 4 दैट इज 29 डिग्री। तो हमसे ए ही पूछा गया था, ए इज 29 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखो अगला एग्जांपल हमने लिया है, एक्सप्रेस cot 85 प्लस में cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये cos 85 दे रखा है, cos 75 दे रखा है, कह रहा है आप इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में बदलिए जिसका एंगल क्या होना चाहिए 0 एंड 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें cot को हम 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 85 प्लस, यहां देखेंगे आप कॉस है तो साइन में चेंज करेंगे 90 माइनस 75, ये आ जाएगा 10 5 प्लस साइन 15। देखो 5 भी 0 45 के बीच आ रहा है और 15 भी 0 45 के बीच आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से ये 6 क्वेश्चन जो हमने लिया है काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। क्या कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई टू। तो कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शो करने के लिए नहीं आएगा, ऑप्शन टाइप दे देगा, क्या दे देगा इसमें कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब है कॉस ए बाई टू। कैसे, तो आप सिंपली जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया आपका 180 डिग्री, अगर आप इसको हाफ करते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो ये क्या आएगा a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब आप इस दोनों में साइन लगा दो तो ये आ जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू साइन 90 माइनस a बाई टू, तो साइन b प्लस सी बाई टू साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, ये आ जाएगा आपका cos a बाई टू। यही था आपका आज के लिए, इसमें हमने सारे जो 10th लेवल के थे 8.2 8.1 से रिलेटेड मैंने पहले करवाए थे 8.2 8.3, ये है 10th लेवल के, लेकिन इसी के ऊपर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बने। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके 10th लेवल के एग्जाम्स क्वेश्चंस आते हैं जैसे एसएससी के अंदर है, बैंकिंग के अंदर है, रेलवे के अंदर है, इसी के बेस्ट पर क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आएगा 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चन हम देंगे, इसके बाद आपका इसी में 10th में 9th चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके ऊपर में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पहले 10th वाले को हम क्लियर करेंगे, फिर हम 11th पे आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के अंदर। आप इसको देखते रहिए, कोई भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। हमारी कई बच्चों के आए थे कमेंट व्हाट्सएप पर आए थे कि सर फटाफट कीजिए एयरफोर्स के डालिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आपका जो बेसिक क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते। जैसे आप अगर मेरा देखोगे प्रोबेबिलिटी सी, तो वीक से वीक बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा, अगर हमारे उस प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर हमने लगभग 14 क्लास ली है, ये 14 क्लास को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपके हर एग्जाम एनडीए क्लियर हो जाए। एनडीए के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा, एनडीए के अंदर तो 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप उसमें से छोड़ सकते हो। नेवी एयरफोर्स, एयरफोर्स के अंदर, नेवी एसएसआर के अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी
फाइव बी के अंदर हमने आए हुए क्वेश्चन डाले हैं, आप क्वेश्चन को चेक करना, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से एसएससी रेलवे बैंकिंग के अंदर कोई क्वेश्चन आता है वो 9th और 10th लेवल का आता है, वो हमने प्रोबेबिलिटी 5A के अंदर क्वेश्चन डाला हमने, जो आए हुए क्वेश्चंस है आप उसको देखोगे। इसी तरह से अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहोगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर जो हम बना रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, आपको पता ही चलेगा कि आपने सारा क्वेश्चन खुद से कर लिया है। तो आप इसको लगातार देखते रहे। थैंक यू।